कोरोना महामारी के बीच पुलिस की कमान संभाल चुके संजय कुंडू का कहना है कि आने वाले दिनों में उनकी 5 प्राथमिकताएं होंगी, जिनमें महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना प्रमुख है। मेरी 5 प्राथमिकता रहेंगी। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी है, जब तक महिलाएं सुरक्षित नहीं है टू टेक अप एजुकेशन, टू टेक अप एनी जॉब, टू टेक अप इकोनॉमिक एक्टिविटी, टू टेक अप सोशल एक्टिविटी, जब तक इसमें पूरी सुरक्षा नहीं है तब तक राज्य और समाज आगे नहीं बढ़ सकता। तो मेरी ये प्राथमिकता रहेगी कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन और चिल्ड्रन शुड बी एड्रेस्ड, कि जो COVID-19 से जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है और पब्लिक हेल्थ क्राइसिस जो इससे उत्पन्न हुआ है, इसको एड्रेस करने के लिए। इसमें जानते ही है आपकी पुलिस की बड़ी अहम भूमिका है। ये अभी तक तो कोई इसका वैक्सीन निकला नहीं, कोई इलाज निकला नहीं, तो लार्जली इसमें जो पॉलिसी है कंटेनमेंट, आइसोलेशन और एक्सेस कंट्रोल की है, जिस तीनों में पुलिस बड़ी फ्रंटलाइन वर्कर की तरह काम कर रही है। पहला तो प्रायोरिटी ये है। अवैध खनन को प्रमुख समस्या बताते हुए पुलिस महानिदेशक ने कहा कि वे चाहते हैं कि जिले में सभी पुलिसकर्मी कानून के हिसाब से निर्भीक होकर कार्य करें। अपने जवानों को मैं ये संदेश देता हूँ कि हार्ड वर्क यानी मेहनत, लगन और परिश्रम से और ईमानदारी से काम करें और रिजल्ट्स धीरे धीरे अपने आप दिखने लगेंगे। गुड़िया प्रकरण के बाद प्रदेश में पुलिस की छवि को खासा धक्का पहुंचा था। संजय कुंडू ने अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि या तो वे अपना व्यवसाय बदल लें, नहीं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हाल के कुछ सालों में हिमाचल में ड्रग एडिक्शन, ड्रग एब्यूज और ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत बड़ा इश्यू बन गया है। ट्रेडिशनली कुल्लू और हायर रीचेस से जो कैनबिस से इसके डेरिवेटिव से ग्रो होते थे और ट्रैफिक बाहर होते थे, लेकिन हाल के कुछ सालों में चिट्टा जो एक हीरोइन का डेरिवेटिव है, सिंथेटिक ड्रग्स और ओपीएम के डेरिवेटिव हिमाचल के अंदर स्मगल होके आ रहे हैं। ये बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है बिकॉज इट इज स्ट्राइकिंग एट द रूट्स ऑफ द सोसाइटी। इससे हमारी जो यंग जनरेशन है, युवा पीढ़ी, वो एडिक्ट होती जा रही है और हमारे राज्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर हमको अपनी युवा पीढ़ी को बचाना है और ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम को बचाना है, इसमें हमको तुरंत काम करना पड़ेगा। हाल के कुछ सालों में इलीगल माइनिंग जो है हिमाचल में काफ़ी बढ़ गया है, जिसके कारण एक तो क्राइम बढ़ गया है, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स बहुत हो गए हैं, दूसरा है कि हमारे रेवेन्यू को, हमारे जो खजाने को, सरकारी खजाने को बड़ी क्षति पहुँचती है, और तीसरा है कि इससे एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन भी होता है। जो हमारे नाले खड्ड हैं, हमारे जो नदियां हैं, उसका डिग्रेडेशन होता है। तो अपराधियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपराध छोड़ें और कोई और व्यवसाय देखें अब, क्योंकि आपके ऊपर जो शिकंजा है धीरे धीरे तेज कसता जाएगा और आपका कहीं बचाव नहीं हो पाएगा, चाहे वो पेटी क्रिमिनल्स हो या ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हो। आम जनता को संदेश देते हुए संजय कुंडू का कहना था कि हमें ये विश्वास पैदा करना है कि पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए है। जनता को तो हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम उनकी सर्विस के लिए हैं, और द पुलिस इज देयर टू सर्व द पीपल ऑफ द स्टेट एंड द स्टेट। कोरोना महामारी के बीच पुलिस की कमान एक नए कप्तान को मिली है। संजय कुंडू पहले मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात थे और मुख्यमंत्री के काफी करीबी माने जाते हैं। आमतौर पर देखा गया है कि हर मुश्किल की घड़ी में पुलिस कर्मियों की तैनाती कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए की जाती है और इन्हें 14 से 15 घंटे तक ड्यूटी भी देनी पड़ती है। ऐसे में मुख्यमंत्री से अपनी नजदीकियों का इस्तेमाल संजय कुंडू किस तरह से पुलिस कर्मियों के कल्याण व नई चुनौतियों के लिए तैयार करने में करते हैं, इस पर सबकी नजर रहेगी। नंदनी मित्तल, DD News, शिमला।